हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम एस सिविल लेक्चर्स। मैंने डिज़ाइन ऑफ स्टील एंड आरसीसी स्ट्रक्चर्स की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। आज का हमारा लेक्चर नंबर फिफ्थ है जिसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर डिज़ाइन ऑफ स्टील कनेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। डिज़ाइन ऑफ स्टील कनेक्शन सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि मैंने फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पर 4 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। जिस किसी ने भी मेरे लास्ट के 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप लोग वो देख लो तो आप लोग कंटिन्यूटी के अंदर रहेंगे। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। डिज़ाइन ऑफ स्टील कनेक्शन ये चैप्टर MSBT के हिसाब से 14 मार्क्स का वेटेज रखता है। मिनिमम 14 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछेगा, मैक्सिमम 18 मार्क्स तक ये चैप्टर जाता है। इसके अंदर हम लोग जो कंटेंट्स देखने वाले हैं, फर्स्ट वन टाइप्स, यूज़ ऑफ बोल्ट्स एंड जॉइंट। स्टील कनेक्शंस के कौन से टाइप होते हैं, उसका यूज़ क्या है, बोल्ट और वेल्ट और उसके जॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन स्पेसिफिकेशन ऑफ बोल्ट होल्स फॉर बोल्टेड कनेक्शन। बोल्ट और नट बोल्ट जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग को होल क्रिएट करना पड़ता है, तो हम लोग होल के स्पेसिफिकेशंस देखेंगे कि कितना साइज़ का और कितना डाया का हम लोग को होल यूज़ करना है बोल्ट के टाइप के हिसाब से। देन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शेयर टेंशन बेयरिंग एंड इफिशियंसी ऑफ जॉइंट। ये 4 क्राइटेरिया हम लोग जब डिज़ाइन करेंगे तो जब हम लोग को आएगा शेयर टेंशन बेयरिंग एंड इफिशियंसी ऑफ जॉइंट स्ट्रेंथ के हिसाब से। नेक्स्ट वन एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ बोल्टेड जॉइंट फॉर एक्सियली लोडेड प्लेट सिंगल एंड डबल एंगल मेंबर्स। हम लोग बोल्टेड कनेक्शन से दो स्टील मेंबर्स को जॉइंट करेंगे और उसका एनालिसिस और डिज़ाइन देखेंगे। नेक्स्ट वन आएगा वेल्डेड कनेक्शन, एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ फिलेट वेल्ड जॉइंट फॉर प्लेट सिंगल एंड डबल एंगल मेंबर सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड। दो मेंबर जब एक्सियली लोड के ऊपर आते हैं, एक्सियल लोड उनके ऊपर आता है तो वो कंडीशन में हम लोग फिलेट वेल्ड और उसका डिज़ाइन क्या होता है हम लोग ये टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ स्टील कनेक्शंस बेसिकली दो टाइप होते हैं, बोल्टेड रिवेटेड और वेल्डेड। बोल्टेड और रिवेटेड को एक कैटेगरी में रखा गया है और वेल्डेड को अलग कैटेगरी में रखा गया है। बोल्ट आप लोगों ने देखा होगा, बोल्ट कुछ इस तरह से होते हैं कि नट बोल्ट, एक नट होता है और एक बोल्ट होता है जिसके अंदर हेक्सागोन शेप होता है टॉप के ऊपर। और रिवेट आप लोगों ने देखा होगा कि रिवेट कुछ इस तरह से होता है। बोल्ट और रिवेट को एक ही कैटेगरी में बताया गया है लेकिन आपके सिलेबस में रिवेट नहीं है, आपको सिर्फ बोल्टेड कनेक्शन है और वेल्डेड कनेक्शन है डिप्लोमा के अंदर, इसलिए हम लोग रिवेट के ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। रिवेट देखिए, रिवेट के अंदर क्या होता है, कोई थ्रेड नहीं होता है। जब आप लोग रिवेट यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन होता है, आपको हैमर यूज़ करना पड़ता है रिवेट के अंदर। वेल्डेड सॉरी बोल्ट के अंदर वैसा नहीं होता है, बोल्ट के अंदर आप लोग को एक होल मारना होता है स्टील मेंबर्स के अंदर और आप लोग इजीली उसको फिट करते हैं नट बोल्ट से। बोल्टेड कनेक्शन के अंदर दो टाइप है, फर्स्ट वन है ब्लैक बोल्ट, सेकेंड वन है हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। वेल्डेड कनेक्शन के अंदर दो टाइप है, बट वेल्ड और फिलेट वेल्ड। तो फर्स्ट वन ब्लैक बोल्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोल्ट क्या होता है, बोल्ट कुछ इस तरह का शेप, अब आप लोग को ब्लैक बोल्ट मिलता है, ब्लैक कलर का है। ब्लैक बोल्ट आर मेड फ्रॉम माइल्ड स्टील रॉड विथ अ स्क्वायर और हेक्सागोनल हेड एंड नट। ब्लैक बोल्ट माइल्ड स्टील रॉड का बना होता है, किसका, माइल्ड स्टील रॉड का बना होता है, हेक्सागोन और स्क्वायर हेड रहता है उसका। तो आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा हो क्योंकि हेक्सागोन शेप क्यों होता है बोल्ट के टॉप के ऊपर, बिकॉज इट मेक्स देम इजी टू टर्न विथ 6 साइड यू कैन टर्न अ फास्टर जस्ट 1/6 ऑफ द वे टू रीच द नेक्स्ट फ्लैट पैरेलल। 6 हेड 6 जो हेक्सागोन ये जो शेप है ये इसलिए होता है कि आप लोग इजीली उसको टर्न कर सकते हैं।
आप अगर ज़्यादा शेप रहेगा या 6 से कम है तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है टर्न के अंदर, इसलिए हेक्सागॉन शेप रहता है बोल्ट के टॉप के ऊपर। ब्लैक बोल्ट आर रफ अनफिनिश्ड एंड कॉमनली यूज बोल्ट। ब्लैक बोल्ट कॉमनली यूज है। ब्लैक बोल्ट पर्लिंस के लिए और ब्रेसिंग के लिए यूज होता है। जहाँ पे भी इम्पैक्ट लोड और डायनेमिक लोड रहेगा वहाँ पे हम लोग ब्लैक बोल्ट यूज़ नहीं करते हैं। ब्लैक बोल्ट लाइट स्ट्रक्चर के लिए यूज़ होता है जनरली। जहाँ पे ज़्यादा लोड नहीं रहेगा वहाँ पे हम लोग ब्लैक बोल्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन है एडवांटेज ऑफ ब्लैक बोल्ट ओवर रिवेटेड और वेल्डेड कनेक्शन। फर्स्ट वन, इट रिक्वायर्स सिंपल टूल एंड अनस्किल लेबर। सिंपल टूल लगेगा, अनस्किल लेबर ये वर्क कर सकता है। नो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड। कोई भी आपको स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट नहीं लगेगा, आप लोग इजीली इसको बोल्ट यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉइसलेस, इसमें कुछ आवाज़ भी नहीं रहेगी। जैसा आप लोग वेल्डिंग करते हो या रिवेट यूज़ करते हो तो आपको हैमर यूज़ करना पड़ता है। रिवेट के अंदर, वेल्ड के अंदर आप लोग को वेल्डिंग इक्विपमेंट यूज़ करना पड़ता है जिससे नॉइस होगी। एज सुन एज द बोल्ट आर टाइटन द कनेक्शन स्टार्ट सपोर्टिंग लोड। जिस तरह से आप लोग बोल्ट को नट को टाइट करते हो बोल्ट के साथ, तो क्या होगा, लोड कैरी करना स्टार्ट करेगा। जितना आप नट बोल्ट को फिक्स करते हो उतना ज़्यादा लोड वो कैरी करेगा। अगर आप लोग लूज कनेक्शन रखते हो नट बोल्ट का तो आपका स्ट्रक्चर सेफ नहीं रहेगा। इट इज़ इजी टू डिसमेंटल एंड रीयूज द मटेरियल। आप इजीली उसको रिमूव कर सकते, आप इजीली दूसरी जगह उसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्रेस ऑफ वर्क इज फास्ट, फास्ट वर्क होता है। नेक्स्ट वन, हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट मार्केट में ज़्यादा यूज़ होता है, कॉमनली यूज़ होता है। कुछ इस तरह से होता है हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। दिस बोल्ट आर कॉल्ड फ्रिक्शन बोल्ट्स, फ्रिक्शन बोल्ट भी बोलते हैं इसको। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट आर मेड फ्रॉम मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील से बना हुआ होता है। दे आर आइडेंटिफाई बाय क्लास आइडेंटिफिकेशन सिम्बॉल 8.8S, 10.9S विच इज़ एम्बोज्ड ऑन द हेड ऑफ द बोल्ट। बोल्ट के हेड के ऊपर यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे उसका क्लास लिखा हुआ रहता है और एस सिंबल बना हुआ होता है। द एस सफिक्स डिनोट द हाई स्ट्रेंथ बोल्ट विथ अ हेक्सागोनल हेड। जहाँ कहीं भी आपको एस डिनोट रहेगा जो भी बोल्ट पे, तो आप माइंड में आ जाना चाहिए आपके कि वो हाई स्ट्रेंथ बोल्ट है और उसके क्लासिफिकेशन 8.8 और 10.9 इस तरह से होता है। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप HSFG बोल्ट आर कॉमनली यूज। जैसा अभी मैंने बोला आप लोग को, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट कॉमनली यूज होता है। एडवांटेज ऑफ हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, इट डज नॉट अलाउ स्लिप बिटवीन कनेक्टेड मेंबर्स। कनेक्टेड मेंबर्स के अंदर स्लिप बहुत कम होता है। लोड आर ट्रांसफर बाय फ्रिक्शन ओनली, फ्रिक्शन से हम लोग ट्रांसफर कर देते लोड। ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ लेस नंबर ऑफ बोल्ट आर रिक्वायर्ड विच विद द रिजल्ट द साइज ऑफ गसेट प्लेट गेट रिड्यूस। ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ है बोल्ट का, जिसकी वजह से आप लोग को गसेट प्लेट की साइज जो है वो कम लगती है। गसेट प्लेट क्या होता है, जब आप कोई भी स्ट्रक्चर मेंबर, स्टील के जो भी मेंबर्स होते हैं, आप वन, ये भी एक मेंबर है, ये भी एक मेंबर है, ये भी एक मेंबर है, ये भी मेंबर है, अब जब आप ये तीन चार मेंबर्स को एक साथ कनेक्ट करते हो तो आप लोग को एक प्लेट यूज़ करना पड़ता है। दिख रहा है आप लोग को ये प्लेट, इसको कहते हैं गसेट प्लेट। ये गसेट प्लेट पे ये स्टील का मेंबर यहाँ तक आ गया, ये मेंबर आ गया, ये मेंबर आ गया, अब यहाँ पे आप लोग नट बोल्ट करो या वेल्ड करो ये गसेट प्लेट का यूज़ करके, तो कनेक्शन इजी होगा। हम लोग डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग जनरली गसेट प्लेट यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं गसेट प्लेट। आपको ये रेलवे स्टेशन के ऊपर, बस स्टैंड के ऊपर देखने मिल जाएगा और ट्रसेस के अंदर भी आपको देखने मिलता है। देर आर नो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन इन द होल्स।
नो स्ट्रेस, कॉन्सेंट्रेशन इन द होल्स, कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेस ज़्यादा नहीं रहेगा, देर इज़ नो नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन नहीं रहेगा, फ्यू पर्सन आर रिक्वायर्ड टू मेक द कनेक्शन, कम लोग लगते हैं, कॉस्ट इसकी वजह से आप लोग को कम लगता है। नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। बेसिकली दो टाइप होते हैं, एक होता है लैप जॉइंट, एक होता है बट जॉइंट। वेन वन मेंबर इज प्लेस्ड अबाउट द अदर एंड बोथ आर कनेक्टेड बाई मीन्स ऑफ बोल्ट और वेल्ट, द जॉइंट इज नोन एज लैप जॉइंट। लैप जॉइंट के अंदर दो है, सिंगल लैप जॉइंट, डबल लैप जॉइंट। देखिए ये एक स्टील का मेंबर है और ये एक स्टील का मेंबर है, आपने दोनों को एक के ऊपर एक रखा और वहाँ पे आप लोग ने नट बोल्ट यूज़ किया, तो ये हो गया सिंगल लैप जॉइंट। यहाँ पे डबल दो मेंबर्स को आप लोग कनेक्ट कर रहे हो नट बोल्ट से या वेल्ट से, तो दोनों के अंदर भी लैप जॉइंट ऐसा होता है। और बट जॉइंट प्लेट आर कनेक्टेड बाय प्रोवाइडिंग अ कवर प्लेट ऑन वन साइड, ऑन बोथ साइड ऑफ द जॉइंट। अगर आपके दो मेंबर को आप लोग पैरेलली कनेक्ट करते हो तो आपको एक प्लेट यूज़ करना पड़ता है, जिसे हम लोग गसेट प्लेट अभी मैंने आपको बताया उसी तरह से, तो इसको कहते हैं बट जॉइंट। देखिए ये स्टील मेंबर है आपका एक, ये स्टील मेंबर है, आपने क्या किया कि एक प्लेट यूज़ की और यहाँ पे एक बोल्ट लगाया, यहाँ पे एक बोल्ट लगाया, इसे कहते हैं बट जॉइंट। लैप जॉइंट के अंदर दोनों एक के ऊपर एक रखोगे और कनेक्ट कर लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।